महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में उतरे शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे का चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने बैग क्या चेक कर लिया, जैसे हड़कंप ही मच गया। उद्धव ठाकरे ने न केवल इसका वीडियो बनाया बल्कि मोदी शाह का सामान चेक करने की चुनौती भी दे डाली। क्यों चेक किए जाते हैं ये बैग, और वायनाड में कल हो रहे उपचुनाव में प्रियंका गांधी की अपील कितना काम करेगी, देखिए हमारी रिपोर्ट में। एक बैग के चेकिंग से कैसे राजनीति में हलचल पैदा की जा सकती है, वो कोई महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो से सीखे। उद्धव ठाकरे का चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने बैग चेक क्या किया, वो ठीक वैसे ही भड़क गए जैसे कोई बच्चा रंगे हाथ चोरी करते पकड़ा जाता है और फिर बरगलाने लगता है। ना तो उद्धव ने कोई चोरी की थी और ना ही बैग में कोई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ, लेकिन फिर भी उद्धव को अपना बैग चेक करवाना गलत लगा। नाही माझी तपास तुम्ही मी तपासायला आडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत निंद्याची तपासले का? मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये तक पूछ लिया कि क्या चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी बैग चेक किया है। दरअसल उद्धव ठाकरे का पहले यवतमाल में बैग चेक हुआ था और फिर 24 घंटे के भीतर दूसरी बार लातूर में भी बैग चेक हुआ, जिसके बाद वो और भड़क गए। अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं दाखवा, आता आज मोदींची तपासणी झालीच पाहिजे, ही परत माझी जाहीर सभेतली मागणी आहे। तपासा घ्या या पोलीस जरा या या तुमचा पण फोटो काढतो या आपले बरोबर या या काय तपासायचं आहे लवकर या। एक काम करता का बॅग ठेवतो तुमच्याकडे, मी आल्यावरती ना तर तुम्ही पुढच्या मुक्कामवरती घेऊन जा ना, मला प्रॉब्लेम नाही। उद्धव ठाकरे का 24 घंटे में दो बार बैग चेक होने पर इस मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। हेलीकॉप्टर उनकी चेकिंग हो रही तो ये देवेंद्र फडणवीस की क्यों नहीं हो रही, जो ओपनली माल लेके जा रहे हैं इनकी क्यों नहीं हो रही, ये पवार साहब की। अब उद्धव ठाकरे जी का हेलीकॉप्टर आप चेक करते हैं, अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चेक करते? चुनाव आयोग तो सभी पार्टियों के लिए समान है ना, आप देवेंद्र फडणवीस जी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चेक? मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी का भी हेलीकॉप्टर चेक होना चाहिए। चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह या आलम समझते हैं? एक तरफ विपक्षी दल हैं जो बीजेपी पर सिस्टम को खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता सफाई दे रहे हैं कि चुनाव से पहले इस तरह की चेकिंग बहुत आम बात है। दरअसल ये वक्त चुनाव और उपचुनाव दोनों का है। 13 नवंबर को 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी, जिसमें महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। इस बीच एक लोकसभा सीट जिस पर उपचुनाव है वो है केरल की वायनाड सीट। राहुल गांधी ने अपनी बहन के लिए वायनाड सीट से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद 13 नवंबर को वायनाड में भी वोटिंग होगी। बीजेपी की ओर से नव्या हरिदास तो कांग्रेस से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वायनाड सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा इस टी शर्ट की हुई है। राहुल ने प्रचार के आखिरी दिन इस टी शर्ट के जरिए वायनाड की जनता को ये बताया कि वायनाड के लोगों ने राजनीति में प्रेम शब्द का महत्व सिखाया है। वायनाड सीट पर कांग्रेस को भरोसा क्यों है ये भी जानिए। 2009 में केरल की वायनाड सीट बनी थी, अब तक कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। 2019 में 64% वोट कांग्रेस को मिले थे, 2024 में 59% वोट कांग्रेस को मिले थे। ऐसे में वायनाड को लेकर कांग्रेस थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट है, वहीं बाकी सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। सभी सीटों की पूरी पिक्चर 23 नवंबर को साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल हेलीकॉप्टर में नेताओं के सामान की तलाशी कर देखा जाता है कि कहीं वो अपने साथ रुपए पैसे तो नहीं ले जा रहे, वो भी बांटने के लिए। मगर नेता बात का बुरा मान जाते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे ने अपना गुस्सा चुनाव आयोग के कर्मचारियों को दिखाया।
लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी का भी हेलीकॉप्टर में सामान की तलाशी की गई थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से बैग चेक तो करवाया, लेकिन बाद में वही बात कही जो आज उद्धव ने कही कि कभी मोदी जी के सामान की भी तलाशी कर लिया करो भाई,